Welcome to Sarans Biology, another session for class 9th, where we're going to extend our discussions about structural organization of the cell. In the previous video, you have seen the detailed structure of plasma membrane and also structure of cell wall. Now, which organelle is called as the central dogma or the brain of the cell? Well, nucleus is that important organelle. We have already talked about it briefly in our previous video. Today, we shall look into the details of nucleus. Nucleus, the most important cell organelle. Let me tell you, the important roles played by nucleus are many, but two you need to keep on your tips: cellular reproduction and cellular metabolism. Cell does everything with the help of nucleus. So, let's start our journey to understand the structure of nucleus. Yes, so nucleus is called as the central dogma of the cell. Yeah, and why it is called so, we'll discover that as well, because of the function that it performs. See, this is the structure of the cell, the general cell, the general animal cell, and nucleus. So once we look inside, what are the parts of the nucleus? So when you have look at nucleus, you'll find it is the most prominent and the largest part inside the cells. Well, in certain cases, there are some exceptions as well. Nucleus occupies the center of the cell. In case of the younger cell, it is in the center, but as the cell matures, it may be pushed to a corner, right? If you look at the different parts of the nucleus, you'll find it is made up of double membrane. See, there are two membranes. मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, दो membrane है, outer membrane और inner membrane. देखिए यहाँ पे, ये outer membrane है और ये inner membrane. So, double membrane structure है. आप याद रखिएगा, कुछ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के अंदर में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. अब जब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो कम्युनिकेट करने के लिए इसमें क्या होगा, राइट? सो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को हम लोग कैरियोथीका या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, राइट? इन दिस न्यूक्लियर एनवेलप देयर आर सम पोर्स, राइट? सो दीज पोर्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर. ध्यान से देखिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ मटीरियल देयर इज अ न्यूक्लियर पोर. उसके अलावा आप देखेंगे देयर इज अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड जो सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से पूरी तरीके से न्यूक्लियस को, है ना? एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे. उसके अलावा एक डेंस रीजन आपको दिखाई देगा न्यूक्लियस के सेंटर में ऑलमोस्ट, जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस ये डेंस रीजन है, न्यूक्लियोलस. बेसिकली ये आरएनए, साइट ऑफ आरएनए फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे आरएनए बनते हैं और पूरे न्यूक्लियस के अंदर में आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे आप क्रोमाटिन के नाम से जानेंगे, विच इज कॉल्ड एज क्रोमाटिन. और यही क्रोमाटिन आगे कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं. बात करते हैं द केमिकल कॉम्पोजिशन की. ये क्रोमाटिन बने हुए होते हैं कुछ खास केमिकल जिनके बारे में आपने पहले सुना होगा, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. यही वो मॉलिक्यूल है जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं. क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर में सारी इंफॉर्मेशन होती हैं आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की. तो ये आप बहुत ध्यान से समझिए इसे. So this is a three dimensional diagram. आप चाहे तो एक मॉडल मॉडल ऐसा बना सकते हैं, बट ये मॉडल बायो मैंने आपको वर्क दिया है. बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज कीजिए, वेस्ट मटेरियल यूज कीजिए, रफ बॉल जैसे हो गया, जूट पे पीस हो गया, है ना, टू मेक सच स्ट्रक्चर, राइट? न्यूक्लियस एज यू फाइंड हियर आउट. हम एक बार थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं कि जो न्यूक्लियस के कॉम्पोनेंट की क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने बात किया, ये कितने लेयर का होता है? डबल लेयर्ड. इट इज डबल लेयर्ड. देयर आर टू लेयर्स, राइट? सो
इनका मेन काम क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करेंगे साइटोप्लाज्म से, राइट? एंड इट ऑल्सो हैज गॉट नंबर ऑफ पोर्स, आप ये देख सकते हैं, दीज आर द पोर्स विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोपोर्स, जो एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फैसिलिटेट करते हैं. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब सेल डिवाइड होता है तो ये टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है. सो यू कैन रिमेंबर दिस डज नॉट एग्जिस्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन. देन टॉक अबाउट न्यूक्लियोप्लाज्म, द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. कई जगह आप इसे कैरियोलिफ भी कह सकते हैं, कैरियन फॉर न्यूक्लियस, राइट? जेल लाइक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, और उसके अंदर में ही आपको फ्लोट करते हुए मिलेंगे न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल. क्रोमेटिन मटेरियल और न्यूक्लियस आपको कहां फ्लोट करते मिलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म. क्रोमेटिन, क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन मटेरियल, इनकी बात कर लेते हैं. बेसिकली ये सेल में जो डीएनए है, राइट, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में इंटरवोवन है, और यही बनाती है क्रोमोसोम्स. आप देखिए इनको, क्रोमोसोम्स, ये कॉइलिंग के बाद क्रोमोसोम बनाती है, राइट? एंड क्रोमोसोम की बात करें, सो दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड सम प्रोटीन्स. क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए और प्रोटीन्स को मिलाकर बनते हैं. उस प्रोटीन को हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं. आप इंफॉर्मेशन के लिए अभी इसे बस याद रख लीजिए, हिस्टोन प्रोटीन. हालांकि कुछ और तरह के प्रोटीन इसमें होते हैं. सो ये खास स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर में, है ना? और सेल डिवीजन के समय में आप देखेंगे यही क्रोमाटिन ऑर्गेनाइज होकर क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, राइट? सो डीएनए को हम कहते हैं मास्टर मॉलिक्यूल. डीएनए का फुल फॉर्म एक बार याद कर लीजिए, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए. हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आप जैसे सीडी नुमा स्ट्रक्चर देखते हैं वैसा स्ट्रक्चर ये होगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट? सो इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए. डीएनए में जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं उनको जीन्स कहते हैं. जैसे आपका स्कूल है बहुत बड़ा है, उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स है, अलग अलग चेम्बर्स हैं, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. वैसे ही पूरे डीएनए के लेंथ में कुछ स्पेशलाइज यूनिट्स होंगे जिन्हें आप बोलेंगे जीन्स बोलेंगे, राइट? एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटरी व्हीकल. हेरिडिटी का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. सो ये न्यूक्लियस का एक फंक्शन है, आपको याद रखना होगा. देन वी हैव गॉट न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस आपने देखा पीछे डायग्राम में, देखा स्फेरिकल ओवल बॉडी है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में. ये थोड़ा बड़ा होगा ऐसे सेल्स में जो बहुत ज्यादा एक्टिव है प्रोटीन बनाने के लिए. क्यों? क्योंकि आपको एक बात समझनी होगी कि डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन है वो सीधे तौर पर प्रोटीन नहीं बनता है. डीएनए प्रोड्यूसेस आरएनए, आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए फिर बनाती है प्रोटीन. तो प्रोटीन बनाने वाले सेल में न्यूक्लियोलस बड़ा होगा. इसका क्या मतलब है, यानी आरएनए की प्रोडक्शन वहां ज्यादा होगी. सो इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए. अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की, जिसे हम अगले इसमें देखेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस, द चीफ फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियस. सबसे पहले तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. आपके बॉडी में सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे आर स्टोर्ड बाय द डीएनए एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिविजन, राइट? सेल डिविजन क्यों? क्योंकि एक सेल से दूसरा, जब दो सेल बनेगा नहीं तब तक इंफॉर्मेशन आगे जाएगी नहीं. हमारे बॉडी में दो तरह का सेल डिविजन होता है, एक माइटोसिस जो हमारे बॉडी में सेल डिवाइड करके नए सेल्स को बनाते हैं और हमारे बॉडी की ग्रोथ में मदद करता है, और दूसरा होता है मियोसिस जिसमें सेल डिवाइड करके कुछ खास तरह के सेल्स बनाते हैं जिन्हें आप गैमेट्स कहते हैं, और वो गैमेट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो स्पर्म और ओवम, और आगे चल के वो रिप्रोडक्शन में काम करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी कंट्रोल करती है. फिर डीएनए से जो आरएनए, आप यहाँ देखिए एक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख पाएंगे, डीएनए से आरएनए बनना, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. टेक्निकल वर्ड इसके लिए है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने के लिए जो टेक्निकल वर्ड है वो है ट्रांसलेशन. यानी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ है पहले वो ट्रांसक्राइब होगा और फिर वो ट्रांसलेट होगा. फिर राइबोसोम्स का बनना भी यहाँ होता है. डीएनए और आरएनए का थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस आप यहाँ देख लीजिए, डीएनए डबल हेलिक स्ट्रक्चर होगा और आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा. वैसे और भी डिफरेंसेस हैं जिनकी बात हम किसी और क्लास में बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ते वक्त करेंगे. फिलहाल न्यूक्लियस के फंक्शंस, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सेल डिविजन नीडेड फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग,
वेरियस साइटोप्लाज्म एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के साइट है, सो दैट यू कैन जस्ट टेक फॉर योर कॉग्निशंस एंड अंडरस्टैंडिंग. सो ये आप समराइज करते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या हैं और किस प्रकार से ये काम करते हैं. सो यू ऑल आर क्लियर. न्यूक्लियस स्टोर्स हेरिडिटरी मटेरियल, ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी. यानी आपने सोचा होगा कि किस प्रकार से जो बॉडी है, हाउ दैट प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम टाइप. सो दैट हैज टू बी अंडरस्टूड. उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा. अब देखिए, मैंने बात की थी अपने पिछले वीडियो में कि न्यूक्लियस के आधार पे यू कैन हैव टू टाइप्स ऑफ सेल. एक प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियन मींस न्यूक्लियस. ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो, क्या मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस के, उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा. जबकि कुछ सेल्स होते हैं, इनको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, दे हैव गॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये प्रेजेंट होंगे. थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं. आप देखिए, एक एनिमेशन की मदद से आप देख पाएंगे. साइटोप्लाज्म बिल्कुल होगा, डीएनए प्रोकैरियोट में क्या होगा, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन तो होंगे, बिल्कुल होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा और उसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे, राइट. तो ये कुछ यू का मतलब ट्रू होता है. आइए इनको एक टेबुलर फॉर्म में हम देखने की कोशिश करें कि टेबुलर फॉर्म में कैसे हम उसे समराइज करेंगे. एग्जामिनेशन में दिस क्वेश्चन जनरली आस्क्ड कि बेसिकली साइज की बात कर लें तो साइज जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो छोटे होते जनरली 1 to 10 micron. अब 1 micron साइज जो होता है वो 10^-6 meter, यानी 1 meter को 1 millionth पार्ट में आप डिवाइड कर दें तो वो 1 micron का साइज हो जाएगा. 1 millionth पार्ट ऑफ अ मीटर यानी 10 lakhwa हिस्सा, ठीक है. 5 to 100 micron का साइज होता है यूकैरियोटिक सेल्स का. न्यूक्लियर रीजन की बात करें तो कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोटिक सेल में, और जो रीजन होगा कंटेनिंग डीएनए इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, राइट. और जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये वेल डिफाइंड होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होगा. क्रोमोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल होंगे और सर्कुलर होगा. यू विल फाइंड लाइक दिस सर्कुलर क्रोमोसोम्स अरेंज्ड इन लूप्स, और यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम्स होंगे और इस प्रकार से वो अरेंज होंगे. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगे जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगे, जैसे गॉल्जी बॉडी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं. सेल डिवीजन सिंपल फिजन से ये डिवाइड करते हैं, कोई क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता है, इसको एमाइटोसिस कहते हैं. जबकि यहाँ यूकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होगा, जिसकी बात हमने की कि माइटोसिस में जो पैरेंट सेल होता है, डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है. सपोज कीजिए हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं हमारे सेल्स में, तो जब माइटोसिस से सेल डिवाइड करेगा तो डॉटर सेल में 46 के 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर क्रोमोसोम होंगे, जबकि मियोसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम का संख्या हाफ हो जाएगा, इट इज रिड्यूस टू हाफ. सो इफ अ सेल फॉर्म्स गैमेट, सो इफ देयर आर 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, गैमेट विल हैव ओनली 23 क्रोमोसोम. न्यूक्लियस, सो द ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, इन केस ऑफ यूकैरियोट इट इज प्रेजेंट. राइबोसोम की बात कर ले, these are the protein factories, हम इनकी बात डिटेल्स में करेंगे. स्मॉलर साइज और रैंडमली स्कैटर्ड होंगे साइटोप्लाज्म में, जबकि अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होंगे यूकैरियोटिक सेल्स में, और कुछ साइटोप्लाज्म में ही पाए जाएंगे. कुछ एग्जाम्पल्स, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल्स के. बैक्टीरिया इज द मोस्ट रेडली अवेलेबल एग्जाम्पल, और प्लांट्स, एनिमल सेल, फंजाई सेल, प्रोटोजोअन्स, ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैड अबाउट द न्यूक्लियस. So we have seen how nucleus is arranged, what is the structure of nucleus, how does it function, and in nucleus ke aadhar pe kitne tarah ke cells hote hain. So you can read your NCERT text, and also in case of doubt you can send me mail or put your comments, or maybe you can refer to my blog biologicaexcel.blogspot.com for notes and other clarification. So keep reading, keep enjoying. Till then, take care of yourself. See you in the next video with the next organelles, cytoplasm and some other important organelle. Students, if you like, you can subscribe the channel to get updated on all videos coming your way.